फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, जो कि बहुत सिंपल इजी येट सो टेस्टी बनती है। इसके लिए पहले मुझे क्या करना होगा, आपको क्या करना है, ये मैंने लौकी जो है इसको स्मॉल पीसेस में काट लिया है। मैंने तेल रख दिया है, तेल में मैंने प्याज गर्म होने रख दिया है। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सी ज़ीरा, जब तक ये प्याज गोल्डन ब्राउन होती है इसमें जाएगा थोड़ा सी ज़ीरा। करीब हाफ टी स्पून ज़ीरा, ये ज़्यादा मसालों में नहीं बनती है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके अंदर मैं डालूँगी राई, ये है राई, राई भी आपको 1/4 टी स्पून ही लेना है। अब इसको मैं स्टर करूँगी अच्छे से। ये इसमें मैं डालूँगी कुछ स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज़, ये गई ग्रीन चिलीज, इसको मैं हाई फ्लेम कर देती हूँ। इसको मैंने हाई फ्लेम पे रख दिया है। इसको अच्छे से ब्राउन होने तक के हमें इसे भूनना है प्याज को। ये पे लिटिल गोल्डन ब्राउन हो जाए कुछ इस तरह, अब इसमें हम डालेंगे लौकी। देखिए प्याज का कलर थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया। मैंने यहाँ पे 1 टमेटो चॉप किया है इसके साथ में। अब मैं इस पूरा इसमें डाल दूंगी, ये हो चुका है ऑलमोस्ट, इसके साथ ही जाएगा। थोड़ा डाल के आप स्टर कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि प्याज नीचे लग जाती है, फिर जब पूरा भर जाता है तो हम स्टर नहीं कर पाते हैं। हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद पूरा डालकर अच्छे से एक मिक्स देंगे। ये गया हमारा लौकी और टमाटर, फिर इसको कोक कर लेंगे तेल में। इसके बाद अगर आप कुकर बनाना चाहते हैं तो ये 1 whistle ये 2 whistle में हो जाता है, 2 सीटी में हो जाता है। ये देखिए पूरा अच्छे से कोट हो गया। इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ये गया सॉल्ट, ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालेंगे। इसके बाद डालेंगे हम पीसा हुआ ज़ीरा, ये 2 pinch पीसा हुआ ज़ीरा, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी हल्दी। इसको अच्छे से स्टर करके मैं ढककर इसे पकने दूंगी। जब पक जाएगी ये पूरी रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी लौकी की तरकारी, वेरी इजी एंड वेरी टेस्टी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।